तो पिनाक रंजन साहब, आपने सुना आर्मेनिया के लोगों को, टर्की तो खुलकर अजरबैजान का साथ दे रहा है, रशिया आर्मेनिया के साथ आएगा लेकिन कब आएगा पता नहीं है, तो आखिर कौन है, कौन सा वो संगठन है, कौन सा वो देश है जो अजरबैजान और टर्की के इस टेररिज्म पर लगाम लगा पाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है, आर्मेनिया और टर्की में बहुत बहुत सालों से, ऑटोमन टाइम से एक द्वेष है, क्योंकि आर्मेनिया हैज ऑलवेज अक्यूज्ड द ऑटोमन्स आफ्टर द वर्ल्ड वॉर ऑफ जेनोसाइड, इसीलिए वो जेनोसाइड की बात कर रहे हैं कि ये दोबारा ना करें जेनोसाइड, इसीलिए टर्की के खिलाफ वो उंगली उठा रहे हैं। इनको कौन रोक सकता है? जो बड़े बड़े जो मुल्क हैं, जो पावर्स हैं, रशिया है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, ये रोक सकती हैं, क्योंकि टर्की के ऊपर दबाव बढ़ाना पड़ेगा। सब करते हैं और सीज फायर होता नहीं, अमेरिका कहता है सीज फायर करो, सीज फायर होता नहीं, सीज फायर होने के बाद भी युद्ध शुरू हो जाता है। वहां पे सबसे पावरफुल जो फोर्स कंट्री है वो रशिया है, तो रशिया करा सकता है, इसीलिए मुझे लगता है उनके सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत हुई है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।